तो गाइस पानी आ गया इधर। बाबा भी नाश्ता कर रहे हैं, पूजा करके। दादी अभी एक्सरसाइज कर रही थी। हाँ बच्चों, दही तो एकदम गांव जैसा जमाई है इसकी मम्मी ने। ऐसे आंटी जमाती है वैसे जमाई है। बहुत बढ़िया खाना बना है। खाना नहीं है, नाश्ता है ये। और बहुत भरी भरी नाइस खाना। तो रोटी तो बहुत अच्छा बन रहा है खाना, सब कुछ। और दही भी लग रहा है कि लाल हो रहा है। मेरे जैसे दही जमा रहे हैं लाल एकदम। और नहा धो लिया, मंदिर से पूजा करके आ गई, घर में भी कर लिया। और प्यार करे बच्चे, आपको लोग का सही प्यार मिलता रहे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे बच्चे। दादी आपको धूप में बैठे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। धूप धूप से पीठ में लगना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा धूप लग गया तो अच्छा है। ये विटामिन सी ले रही है और पीपल के पेड़ के पास जरूर। पीपल के पेड़ के पास में है, यहाँ पे 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ के पास में बैठ करके जाप करना चाहिए और वहाँ पर बैठ कर राम राम जपना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए। उधर तो आपको छत तक जाना पड़ता था 2 मंजिल। हाँ तो 3 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर नीचे नहीं है, यहाँ पर नीचे ही है। नीचे घर से निकलो और बाहर बैठो, इतना खुला खुला में सांस ले रहे खुले। और इधर कुछ ज्यादा पेड़ पौधे तो रात में बहुत ठंडी लगती है। हाँ रात 4:30 बजे हो जाता है शाम। इतना ठंडी लग रहा बापरे। अभी मौसम के हिसाब से हर चीज होना चाहिए ना। ठंडी है तो ठंडी जरूर होना चाहिए, गर्मी है तो गर्मी होना चाहिए, बारिश है तो बारिश होना चाहिए। बारिश तो इधर होता रहता है, प्राकृतिक देन है ना। और हम लोग का कामाख्या मंदिर जाने का प्लान कैंसिल लगा, अभी किसी और दिन जाएंगे। हाँ जाना था तो नहीं गए, कल और किसी दिन जाएंगे। माता जब बुला देगी तो हम पहुँच जाएंगे। तो माता को बुआ के पास भी जाना है, उधर ही से बुआ के पास चले जाएंगे। बुलाए हैं बुआ से, दर्शन करके चले जाएंगे आस्था के पास। फिर घूमेंगे उधर, खाएंगे पिएंगे, मस्त सोएंगे। झुंड के झुंड महाराज जी आएंगे, देखेंगे। नहीं इधर वो उधर पीछे ना बहुत सारे, एक बार महाराज आए थे 10-15 एकदम झुंड बना के। सभी दादी को चाय देने जा रही हूँ। दादी चाय चाय चलाओ। चाय दोबारा भी चलो, ठंडी के दिन पे ले लेती। इधर मोहतरमा जी चाय पी रही है सेकंड बार। और मम्मी का इधर पेट दर्द हो रहा है। ये दर्द कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कैसे भी कर रहे हैं। मत करो आज, सोए आराम से। एक पूरी सफाई नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी बाबा सब से बात कर रहे, दादी चाय पी रही है, उधरू बाथरूम गया है, अभी आ गया और हम वीडियो बना रहे हैं। देख लो बच्चों, ये मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, असली मेहंदी है ये। सब तो मेहंदी असली होता है लेकिन उसमें कलर डालते हैं मेरे पेड़ पर बच्चे। तो रही अपने बाल में लगाऊंगी, देखो बाल में लगाऊंगी, दिखाऊंगी। ओरिजिनल है, ओरिजिनल देखो कितना अच्छा अच्छा है। अभी इसको तोड़ेंगे तो थैला पकड़ लेता हूँ मैं। पहले हाथ में लगाते थे, यही मेहंदी पीस का सील है, बहुत अच्छा है, ठंडा भी रहता है सी। घर से तो वो लगाए थे बाजार वाला, देखो पत्ता कितना हरा हरा। ताकत लगता है क्या इसमें? नहीं। हाँ मेरे पैर पर बच्चे ले लिया मेहंदी, जा रही पीस के मिक्सी में। बहुत से बोलेंगे पीस देगी और देखते हैं लगा के आपको दिखाएंगे लाल हुआ कि नहीं। गाइस इधर दादी मेहंदी का पत्ता लाया और मैं इसको पीस कर दादी के बाल में लगा दूंगी, फिर तब दिखाएंगे हम लोग आपको। गाइस दादी पहले केमिकल वाला लगाती थी, गार्नियर का जो आता था ना मेहंदी वाला वो, पर आज मैं दादी के बाल में ये लगाऊंगी पीस के मेहंदी का पत्ता। हम मिक्सी में पीसेंगे बच्चे, बोरे पीसेंगे। लाया है देखो पीस के कैसे लाल होता है कि नहीं होता है। हाथ तो लाल होता था पहले, अभी देखते हैं फिर मिलेंगे लगा के दिखाएंगे। गाइस बाबा इधर खा रहे हैं पाइनएप्पल और ध्रुव को पढ़ा भी रहे हैं। पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, फिर भी बुक दे करके पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ही अंतर होता है,
तो इनको समझ आया कि भाई क्वेश्चन को बार बार खट्टा भी है। नींबू जितना रेडी लगा लिया धो लिया, देखो तेरे पर बस तेरे लाल हुआ है बता दा। ये मम्मी का बाल काटने वाली बाल काटूंगी आंटी, बहू ऐसे बैठती है। नहीं आज आंटी ने मेहंदी लगा के उम्र कम कर ली। ये वाली घड़ी ना भाई गलत है, गलत दिखाते ना नहीं गलत ना दिखाता, पाँच किलोमीटर वहाँ पे दिखाते नहीं तो अभी आज दिखाया साढ़े पाँच किलोमीटर साढ़े पाँच यहाँ से वहाँ तक और एक सौ कितना होगा अच्छा दो दो चार किलोमीटर यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं मम्मी मेरी फ्रेंड बाकी भी है इधर है, दो बंगाली एक राजस्थानी बिहार की चूरमा वाली बगल में बैठी लेकिन खा नहीं, फिर तो बस चूरमा बना खिलाना पड़ेगा, चूरमा इनको बहुत पसंद आया। हाँ भाई सारे कुछ ना कुछ बनाते तो देते और बच्चे अंदर शोर करे। अरे ये चूल्ही क्या पर अब कुछ आ रहा समझ में ध्रुव को? समझ में नहीं आ रहा है, जान बुझ कर गलती करता है। ध्रुव पापा से पढ़ लो जब तक पापा आए हैं, ठीक है होशियार बन जाओ। हाँ कितना हो गया? 20। 20 क्या चीज है? 20 हॉर्स। हॉर्स किलोमीटर दौड़ा है मात्र 4-5 किलोमीटर। मैं मना की थी मत भेजिए मत भेजिए, मैं डेली जाती मुझे पता है कितना दूर, मना की थी नहीं मम्मी जा जाके देख के यार। अरे मैं तो सुन रही हूं खुली हवा में स्वच्छ वातावरण में जाएंगे। अरे वो तो है ही लेकिन बहुत दूर है, खुली हवा तो यहाँ चारों तरफ पे पहाड़ी इलाका है, बहुत दूर है। कल का थकान मम्मी को आज तक पता चल रहा है, आज तो 3 किलोमीटर। हम जाते हैं बहुत थक जाते हैं आते आते हैं, उसकी चंपी हुई है, दादी ने चंपी की आज तेल मालिश, अब तो दादी का चंपी करना। सो आज आप सबने मेरी फ्रेंड से मिला और भी है चार है और बहुत मजा आता है इनके साथ, मुझे हंसी मजाक होती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे अलग अलग स्टेट के ना, कोई बंगाली है कोई बिहार का है कोई राजस्थान का है कोई आसाम का, आसाम की जो फ्रेंड उनसे तो आपने मिला है बहुत ही प्यारी है बहुत ही स्वीट है, और स्वामी डांस करती है बहुत अच्छा बिहू डांस उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया बहुत अच्छी है, बंगाल की भी जो है ना वो भी बहुत सारे अच्छे कुल मिलाकर डेली हम वहाँ बैठते हैं डेली आग सेकते हैं चाय वगैरह कोई ना कोई चाय लेकर आता है, कभी मैं कभी कोई और कभी कोई और चाय और बिस्किट हो या कुछ भी वहीं बैठ के हम लोग शेयर करते हैं खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं किचन में डेली का काम करने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए क्योंकि मम्मी को बहुत भूख लगी है, और जैसा कि बताया कि आज छोला बनाई हूँ और अभी मैं बनाऊँगी पूरी, ये दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं मम्मी पापा भी यहाँ पर ये अभी खाए नहीं, अभी मैं मम्मी पापा को दूँगी बाकी जब सारे लोग आ जाएंगे फिर मैं दोबारा तलूंगी, तो फिलहाल चलते खाना बनाने। काफ़ी देर बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मम्मी को बहुत तेज भूख लगी है और अभी मैं बना रही हूँ पूड़ी और सब्जी में बना है आज छोला, छोला बना है तो आज खाएंगे छोला पूड़ी। सो गाइस अभी मैं प्रेस करती हूँ बाबा का कपड़ा और प्रेस करते करते गलती से प्रेस पापा का फोन पे गिर गया था। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाय बाय।
बाय।